इतनी सारी मछलियाँ। क्योंकि मैं तुझे जिंदा रखना चाहती हूँ। जिस दिन तू हथियार चलाना सीख जाएगी, उस दिन मुझसे यही सवाल पूछना। भूलना मत, हम भाग क्यों रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? जहाँ सर छिपाने की जगह मिल जाए, जहाँ सबकी धरती बराबर हो, सबका आसमान बराबर हो। Oh!
मैंने भी हथियार चलाना सीख लिया अम्मा, आजमाओगी। पर अम्मा एक सवाल मैं आज तक नहीं भूली, हम भाग क्यों रहे हैं? हम कौन हैं? मैं कौन हूं? ये तो घास है, इसे मुंह में रख। अम्मा अगर उत्तर चाहती है तो इसे मुंह में रख। कुछ याद आया? ये है तेरी पहचान, तू एक शाक्य है, तृण शाक्य। तृण शाक्य? तू एक शाक्य थी, भगवान बुद्ध के वंश की शाक्य, कपिल वस्तु की शाक्य कुमारी, पर तुझे तृण शाक्य बनाया विदुदाब ने। शाक्य तो सभी को बराबर समझते थे, पर तुझे, मुझे, हम जैसे कई शाक्यों को छोटा बनाया, जानवर जैसा बनाया विदुदाब ने। विदुदाब? कौशल के राजा प्रसेनजीत, कपिल वस्तु की वासप खतिया का क्रूर बेटा विदुदाब। तुम आज तक अपने ननिहाल नहीं गए? तुम कपिल वस्तु नहीं गए? नहीं, जब जब माँ से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? ये मैंने सोचा ही नहीं। और वैशाली? नहीं। जब गणराज्यों की परिक्रमा ही नहीं करोगे तो साम्राज्य का विस्तार कैसे करोगे? गण और जनपदों की परिक्रमा व्यापार के लिए तुम जैसे श्रेष्ठी और श्रेष्ठी पुत्र करते हैं। मैं प्रसेनजीत का पुत्र हूँ, राजपुत्र। जब चाहूंगा कपिल वस्तु जैसे गणों से मेरी परिक्रमा करवा लूंगा। कितने हैं गणतंत्र? वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, कपिल वस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलीय, पिपली वन के मौर्य, किसुनारा और पावा के मल, केसपुत्र के कालाम, अलकप के बुली और सुनसुमारा के भग। कहाँ हैं उत्तर वैदिक काल के गणतंत्र कुकुर, भोज और सुराष्ट्र? शाक्य गण तो कोसल की जागीर है, मेरी जागीर है। और दूसरे गण और गणसंघ कब तक बचे रहेंगे? जो कोसल से बच गए तो मेरे बहनों ही मगध सम्राट अजात शत्रु से उन्हें कौन बचाएगा? उत्तरा पथ पर ध्वज लहराएगा विदुदाब या विदुदाब की बहन वजीरा के पुत्र का? तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें गणतंत्रों का इतिहास तो खूब रटाया है, पर तुम्हें क्या लगता है कुमार विदुदाब कि राजतंत्र गणतंत्रों का विनाश करेंगे और दूसरे महाजनपद चुप रहेंगे? कौन सा महाजनपद कोसल या मगध के मार्ग में आएगा? एक नाम तो बताओ। चलो अब देखता हूं तुम्हें तुम्हारे आचार्य ने कितना पढ़ाया है। महाजनपद 16 है ना? चलो 16 के सिर्फ नाम बता दो तो जितनी जगह तुम घेर कर बैठे हो उतनी सोने के सिक्कों से पाट दूंगा। कुमार, मुझे अपना सोना मत दिखाओ। मेरे पितामह ने तुम्हारे बड़े भाई कुमार जैत के वन को खरीदने के लिए सोने से पाट दिया था। नाम बताओ। सम्राट अजात शत्रु से युद्ध करने के लिए मेरे पितामह ने तुम्हारे पिता सम्राट प्रसन्नजीत को युद्ध की लागत दी थी। नाम बताओ। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे नाश के लिए काफी होगा, मगर फिर भी सुन लो। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज पर तुम्हारा नाश का कारण होगा सिर्फ एक गणतंत्र। सृष्टि पुत्र को रोक लीजिए कुमार। हमारे शाक्य गण में 80,000 परिवार थे, संतागार में हमारी सभा होती थी। शाक्य गण राजा का मुखिया गण मुख्य, गणपति, गण राजा या गण ज्येष्ठ कहा जाता था। विदुदाब ने सब नष्ट कर दिया। चातुमा, सामगाम, खोमदुस, सीलावती, मेतलूप, उलुम, देवदह, सक्कर हमारे नगर थे, हमारे गणराज्य की परिषद थी। उसमें 500 सदस्य होते थे। गांव का कारोबार गांव में खुली सभा या पेड़ों के झुरमुट में होता था। संतागार में होने वाली सभाओं के संविधान और नियम थे। संतागार में ठीक से आसनों की व्यवस्था के लिए आसन प्रज्ञापक होता था। सभा में सदस्यों की आवश्यक संख्या रहे, गणपूर्ति रहे, इसके लिए गणपूरक होता था। सभापति या विनयधर नटी या क्याप्ति की स्थापना करता था। उसके बाद सदस्य उस पर खुली बहस करते थे और जो भी प्रतिज्ञा या निर्णय होता था उसे सबके सामने एक बार और कभी कभी 3 बार पढ़ा जाता था। कोई आपत्ति ना हो तो प्रतिज्ञा पारित समझी जाए। आपत्ति है। और किसी को? परिषद में मतभेद होने पर या संवाद होने पर पंचों की समिति एक मत या निर्विरोध मत पर पहुंचने की कोशिश करती थी।
शाक्य इसे उपवाहिका कहते थे। पंचों की समिति को उपवाहिका की आशा नहीं है और ना ही ज्ञाप्ति। आम सहमति से पारित हो ऐसा संयोग दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव पर छंद मांग रहा हूं। छंद यानी मतनामा? हाँ, हर सदस्य अपने अधिकार का खुलकर प्रयोग करता था। हर सदस्यों को अलग अलग छंद या मत के लिए अलग अलग रंगों की लकड़ी की पतली शलाकाएं दी जाती थी। शलाका गाहपक नाम का अधिकारी सभी छंद जमा करता था। गणपति या विनयधर छंदों की गिनती करते थे। ये भूया सिक ममम या बहुमत की विजय होती थी। एक बार प्रस्ताव पारित हो गया तो दोबारा उसे परिषद के सामने नहीं रखा जा सकता था। जो भी प्रतिज्ञा या निर्णय ध्वनि मत से हो उसे ही कानून या संघ कर मान लिया जाता था। यह पूरी प्रक्रिया लिखी और सुरक्षित रखी जाती थी। बौद्ध संघ की रचना भी गणराज्यों से प्रेरित है। व्यवसायियों ने भी अपना संघ, निकाय, निगम या श्रेणी कहे जाने वाले संगठनों की रचना शाक्य गणराज्य के गणतंत्र के आधार पर की थी। ऐसा था हमारा शाक्य गणतंत्र, जिसे विदुदाब ने तहस नहस कर दिया। वह दुष्ट यह नहीं समझ सका कि एक कपिल वस्तु के विनाश से मनुष्यता की गणतंत्र की आवाज नहीं थमेगी। वृषिणी और अंधक गण संघ को मिटाने की जरासंध और कंस ने क्या क्या कोशिश नहीं की, पर गण संघ नहीं मिटे। वे बराबर लड़ते रहे अपनी पहचान के लिए। कोई आक्रांता गणतंत्र नहीं समाप्त कर सकता। काश वे समझ पाते कि मनुष्यता का इतिहास राजतंत्र से गणतंत्र की ओर बढ़ने का है। लेकिन अपने ही ननिहाल को नष्ट करने का कोई तो कारण रहा होगा माँ। कारण हो ना हो, मनुष्य कारण ढूंढ लेता है। भगवान बुद्ध और महावीर को मानने के कई कारण हैं, न मानने के भी कई कारण हैं। विदुदाब ने भी अपना कारण ढूंढ लिया। अपनी माँ वासव खतिया के न चाहने पर भी एक दिन विदुदाब अपने ननिहाल जा पहुंचा। प्रणाम नाना। शाक्य गण में तुम्हारा स्वागत है बेटा। ये शाक्य गण राज्य का संथागार है। यहाँ सभी गण मिलकर गण राज्य की व्यवस्था संभालते हैं। शाक्य गण की व्यवस्था कुछ अजीब नहीं है नाना? गणतंत्र और राजतंत्र में हमेशा से अंतर रहा है बेटा। वह तो मैं भी देख रहा हूं। जब से मैं कपिल वस्तु आया हूं, सारे संबंधियों से मिला, मैंने सबकी वंदना की, सबकी, पर किसी ने मेरी वंदना नहीं की। शाक्य गण में बड़े छोटों की वंदना नहीं करते। क्या पूरे कपिल वस्तु में कोई मुझसे छोटा नहीं है? पूरे नगर में कोई विदुदाब से उम्र में छोटा नहीं है ना? सैकड़ों हैं। तो वे कहाँ हैं? नगर में, नगर के बाहर, गलियों में, बाग बागीचों में, राजप्रासाद में, मुझे कोई नहीं मिला जो मुझे प्रणाम करता, मेरी वंदना करता। तुमसे छोटे सभी नगर से बाहर गए हैं ग्राम उत्सव के लिए गांव में। वापस आते ही वे सब तुम्हारी वंदना करेंगे। नाना, सब बच्चों को उनके ननिहाल से उपहार आते थे, पर आज तक आपने अपने नाती के लिए कभी कोई उपहार नहीं भेजा, क्यों नाना? सम्राट प्रसेनजीत के बेटे के लिए उसका नाना क्या उपहार भेजता? महानाम ने अपने नाती से झूठ कहा। सच तो यह था कि विदुदाब के कपिल वस्तु आने की खबर मिलते ही शाक्य गण ने विदुदाब से छोटे सभी लड़के लड़कियों को कपिल वस्तु से बाहर भेज दिया। क्यों अम्मा? क्यों अम्मा? ताकि किसी को भी विदुदाब की वंदना न करनी पड़े, प्रणाम न करना पड़े। मतलब? अभिमान, अपने जाति का अभिमान और शाक्य वंश का दुर्भाग्य।
एक छल ने पूरे वंश का नाश कर डाला। शाक्य वंश के गौरव भगवान बुद्ध को जब उनके विरोधी बदनाम कर रहे थे, तब कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भिक्षु संघ का साथ नहीं दिया। सूरज पर थूकने की मूर्खता मनुष्य ही कर सकता है, भगवान पर आरोप। पर जब सच सामने आया और भगवान की प्रतिष्ठा और बढ़ी, तो प्रसेनजीत ने अपने संबंध भिक्षु संघ से ठीक करने के इरादे से शाक्य कुल की कन्या से विवाह करने का विचार किया। प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध से बात की। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो संसार छोड़ चुका। तब प्रसेनजीत ने अपने विवाह का प्रस्ताव कपिलवस्तु भेजा। सम्राट प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के कुल से संबंध जोड़ना चाहते हैं, इसलिए शाक्य कुल की कन्या से विवाह करना चाहते हैं। शाक्य गण को सम्राट प्रसेनजीत का प्रस्ताव स्वीकार है, इससे दोनों कुलों के संबंध मजबूत होंगे। मैं सम्राट के योग्य कन्या ढूंढकर आपके जाने से पहले सूचित करता हूं। कोसल के क्षत्रिय शाक्यों से बड़े नहीं है, फिर वो प्रसेनजीत ही क्यों ना हो, कौन शाक्य अपनी बेटी उसे देगा? दें तो भी समस्या, न दें तो भी समस्या। ना दें तो क्या होगा? युद्ध। कोई और रास्ता सोचो। किसी दासी का विवाह करा दे तो? प्रसेनजीत सम्राट है, उसकी सम्राज्ञी बन सके ऐसी सुंदर कन्या ही चाहेगा। आपकी दासी की पुत्री वासव खत्या जैसी सुंदर कन्या पूरे कपिवस्तु में नहीं है, दासी से ही सही, आपकी बेटी है। संदेह करना राजा का स्वभाव और दूतों का कर्तव्य होता है। हम उन्हें संदेह करने का मौका ही ना दे तो? कैसे? महानाम सम्राट प्रसेनजीत के दूतों को भोजन पर आमंत्रित करें और महानाम वासव खत्या के साथ एक ही थाली में भोजन करें। मैं अपनी दासी की पुत्री के साथ एक थाली में भोजन करूं? भोजन सिर्फ वासव खत्या करेगी, आप नहीं। आप सिर्फ भोजन करने का छल करेंगे। कौशल नरेश प्रसन्न था कि भगवान बुद्ध के कनिष्ठ चाचा का बेटा महानाम अपनी बेटी उसको देने के लिए तैयार था। उसने अपने दूतों से जांच परख कर कन्या लाने को कहा। महानाम और शाक्य गणों ने मिलकर प्रसेनजीत के दूतों के साथ छल किया। वासव खतिया को महानाम के साथ एक ही थाली में खाता देख उन्हें विश्वास हो गया कि यही महानाम की ही बेटी है। प्रसेनजीत वासव खतिया के सुंदरता को देखकर ऐसा मुग्ध हुआ कि उसे अग्र महिषी का पद दे दिया। वासव खतिया की कोख से विदुदाब ने जन्म लिया और बच्चों के मामा मामी नाना नानी से उपहार मिलता देख वह अपने माँ से पूछता कि मेरे नाना नानी मेरे लिए उपहार क्यों नहीं भेजते? कपिलवस्तु बहुत दूर है, ऐसा कारण देकर वह उसके मन को बहला लेती। जब वो ननिहाल जाने की बात करता तो कोई ना कोई बहाना देकर उसे टाल देती, पर 16 वर्ष के विदुदाब से वह क्या बहाना बनाती? मन में कई सवाल लिए सबसे विदा ले वह श्रावस्ती की ओर चल दिया। शाक्य प्रसन्न थे, पर वे कहां जानते थे कि दुर्भाग्य उनका दरवाजा खटखटा रहा है। विदुदाब का एक सेवक अतिथि गृह में अपनी तलवार भूल गया था। जब वो तलवार लेने के लिए वापस गया, अरे रे, रे, ये क्या कर रही हो भड़े? देख नहीं रहे हो, सारे आसन और फर्श धो रही हूँ। क्यों? गणपति का आदेश है, कोई दासी पुत्र संथागर और कक्ष पवित्र कर गया है, एक एक आसन धोना पड़ रहा है मुझे। सेवक ने विदुदाब को बताया। अपमान की आग में जल रहे विदुदाब ने प्रसेनजीत से पूछा, क्या मेरा पिता दास या दासी पुत्र है? प्रसेनजीत ने जैसे ही वासव खतिया से सवाल किया, सच सामने आ गया। उसी क्षण उसने दोनों माँ बेटे को अपमानित कर महल से बाहर निकाल दिया और उनसे सारे अधिकार छीन लिए। भगवान बुद्ध के समझाने पर प्रसेनजीत ने दोनों को फिर से स्वीकारा, पर उस दिन विदुदाब ने एक प्रतिज्ञा कर ली। जैसे मेरे द्वारा छुए गए आसनों को शाक्यों ने दूध से धोया, वैसे ही मैं एक दिन उन्हीं आसनों को शाक्यों के रक्त से धोऊंगा। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे विदुदाब ने बरसों बाद पहले अपने पिता से अपमान का बदला लिया। उसने बूढ़े प्रसेनजीत को राज्य से विस्थापित कर दिया और कपिलवस्तु पर आक्रमण किया। बार 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 बार
गणपति, यदि नगर द्वार खोले गए तो एक भी शाक्य नहीं बचेगा। गणपति, द्वार खोलने का आदेश दीजिए, जो भाग सकेंगे उनकी जान तो बच जाएगी। गण छंद लेगा, जो द्वार खोलने के विरोध में हो वे नहीं कहें, नहीं। जो समर्थन में हो वे हाँ कहें। इसे मुंह में रख, अब जब तक मैं ना बोलूं मुंह मत खोलना। अब शाक्य गण क्यों भाग रहा है? हम तिनके हैं, आपके पैरों में पड़े हुए तिनके। हमें मत उजाड़िए, हमें मत उजाड़िए। तू कौन है? तिनको? तुम शाक्य तिनके नहीं, जानवर हो। चबाकर दिखाओ तिनकों को। जाओ, तुम जानवरों पर मैं दया करता हूं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर आज के बाद अपने आप को शाक्य नहीं तृण शाक्य कहना। जो भाग सके वे बच गए, कुछ मुंह में तिनके रख कर बच गए, कुछ मुंह में नल रख कर। विदुदाब ने बच्चे बूढ़े जवान किसी में भी भेद नहीं किया और शाक्यों के रक्त से अतिथि ग्रह और संथागार के आसनों को धोया। बोझ सोने की तरह चमकना चाहिए ये आसन। ये दूध नहीं, दुष्ट शाक्यों का रक्त है। महानाम ने आत्महत्या की। प्रतिशोध और प्रतिहिंसा के आग में जिसने कपिल वस्तु का नाश किया, वह विदुदाब भी एक दिन अपने ही महल में लगी आग में जलकर खाक हो गया। भागकर तुम कहीं और भी तो जा सकती थी। शाक्यों के लिए शाक्य गण महान था, तो गणों के लिए वज्जी संघ। बचपन में शाक्य गण में वज्जी संघ की राजधानी वैशाली की महानता की कई कहानियां सुनी थी, इसलिए जान बचाकर भाग रहे कदम वैशाली की ओर दौड़े, जहाँ सभी बराबर थे, सभी राजा थे। सभी बराबर और सभी राजा, यही तो थी वैशाली की विशेषता। महाभारत के समय एक राजा विशाल के नाम पर बनी थी वैशाली, पर जिसने लिच्छवी गण और वैशाली का इतिहास रचा वह था नाभाग। तुम में से कुछ पीढ़ियों से मेरे कुटुंब की सेवा करते आ रहे हैं। मेरे बच्चे तुम्हारी गोद में खेलकर बड़े हुए हैं। मेरा बोझ तुमने उठाया है। मेरे पीने और नहाने के लिए तुम लोग गंगा से पानी लेकर आते हो। मेरी पालकी तुम्हारे कंधे पर चलती है।
मेरी फसल तुम लोग काटते हो, मेरा भोजन तुम लोग पकाते हो, मेरी पत्नी के लिए उपटन तुम तैयार करते हो, उसका श्रृंगार करते हो, मेरे बच्चों की विष्ठा उठाते हो, फिर भी तुम मेरे दास हो, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी नहीं। आज मैंने तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए बुलाया। आज से कोई मेरा दास नहीं, इस घर में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, आज से तुम और मैं एक बराबर। दास और स्वामी बराबर कैसे हो सकते हैं राजा? होने चाहिए, होंगे। जो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे कुटुंब के दास रहे हैं वो आज से स्वतंत्र है। राजा, मेरे दादा परदादा सभी राज सेवा में रहे, मैं स्वतंत्र होकर करूंगा क्या? हमारे लिए तो जीना सेवा और मरना सेवा, पेट का गड्ढा भरना और तन ढकने के लिए स्वामियों के उतरे हुए कपड़े, इसी में खुश हैं हम। दास दासियों को ऐसा आपने क्या कह दिया कि वे सब आंसू बहा रहे हैं? कोई गलती हुई उनसे? गलती हमसे हुई है, हम ना उन्हें शास्त्रों का अर्थ समझा सके, ना उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। मतलब? वेदांत कहते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं, जनक कहते हैं, ब्रह्म और उनका सारा ब्रह्मांड एक है, तो फिर मनुष्य एक क्यों नहीं? मनुष्य मनुष्य में भेद क्यों है? लिच्छवी मुझे बताएं कि मैं कौन हूं। तुम लिच्छवी गण के राजा हो, अधिराज हो, विराट हो, स्वराट हो, नभाग। मैं करता क्या हूं? आप शासन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और सभी से करवाते हैं। मुझ पर किसका शासन चलता है? धर्म का। क्या मैं धर्म हूं? नहीं। यदि मैं अपने धर्म का पालन नहीं करूं तो मुझे हटाने का कर्तव्य किसका? धर्म का। कहां है वह धर्म? धर्म सूत्रों में या वे जो धर्म को धारण करते हैं? वे जो धर्म को धारण करते हैं। क्या ऐसे लिच्छवी इस सभा में है, वैशाली में है? क्या वे इस सभा में हैं? क्या उनके पास मुझे हटाने का अधिकार है? लिच्छवियों का मौन बहुत कुछ बोल रहा है। मैं पूछता हूं कि सिर्फ मेरा पुत्र ही, मेरा परिवार ही लिच्छवियों का राजा क्यों बने? यदि ईश्वर के सामने धर्म के शासन में हम सभी समान हैं तो धर्म पालन करने और करवाने का अधिकार सिर्फ मेरे परिवार के पास ही सुरक्षित क्यों रहे? क्योंकि मैं दिव्य हूं? क्या सिर्फ मैं ही दिव्य हूं? क्या सिर्फ मैं ही महान हूं? क्या मेरे पहले कोई और महान नहीं था? मेरे बाद कोई महान नहीं होगा, महानता सिर्फ मेरे घर में ही पैदा होगी। कोई कह सकता है कि मैं विदेहों के, उपनिषदों के बहकावे में आ गया। मुझे उपनिषद कम पढ़ने चाहिए। मैं पूछता हूं वैशाली के लिच्छवियों से कि यह धर्म पालन करने और पालन करवाने की योग्यता लिच्छवियों के किसी कुल में नहीं। परिवार में भी यदि सिंहासन का अधिकार सिर्फ किसी एक के पास रहे, इस विचार ने भी परिवारों को तोड़ा है। इसलिए आज मैंने एक निश्चय किया है, आज से मैं वैशाली के सिंहासन को छोड़ रहा हूं और लिच्छवीगढ़ को यह सिंहासन सौंप रहा हूं। आज से मैं अपने खेत में पसीना बहाऊंगा और अपने खेतों का राजा कहलाऊंगा। आज से मेरे लिए हर लिच्छवी राजा। हर लिच्छवी राजा कैसे हो सकता है ज्येष्ठ? हर लिच्छवी कुल अपना कुल मुख्य चुने, वह कुल मुख्य राजा होगा। सभी राजा होंगे तो फिर शासन कौन करेगा विराट? गणपति, सभी कुल मुख्य मिलकर
वैशाली का गण मुख्य या गणपति चुने। गणपति और सभी कुल मुख्य मिलकर उपगणपति, सेनापति, कोष का अधिकारी या भंडागारिक और महत्व का यानी गणदूत चुने। अधिराज, जो गणपति एक बार आसन पर बैठ गया वह फिर आसन छोड़ेगा क्यों? रामायण महाभारत आसन के कारण ही तो लिखे गए थे। जो एक बार गणपति चुन लिया गया वो सदा के लिए गणपति नहीं रहेगा। अर्थात लिच्छवी अपना गणपति बार बार चुने, वैशाली की पवित्र पुष्करणी के जल से गणपति का अभिषेक कर उसे लिच्छवी गणराज्य की जिम्मेदारी दे। सभी कुल मुख्य गणराज्य का हिस्सा हो, सभी बराबर हो, कोई गणपति गणराज्य से बड़ा नहीं होगा और गणपति को हटाने का कुल मुखियों को अधिकार होगा। यहां हर कोई राजा होगा और कोई किसी का अनुयायी नहीं होगा। वैशाली में छोटे बड़े और मंझले के सम्मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब लिच्छवी यह तय करें कि वे वैशाली में कुलीन तंत्र चाहते हैं या गणराज्य गणतंत्र। लिच्छवी गण अपने समय में सबसे ताकतवर गण था। मगध से स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 8 कुलों ने मिलकर वज्जी संघ बनाया था जिसमें लिच्छवी गण और विदेह भी था। इसमें लिच्छवी सबसे बड़ा कुल था। नाभाग ने मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए जो स्वर उठाया था उसकी रक्षा के लिए वैशाली ने हर कदम उठाया था और इसका अनुभव शाक्य गण से भागी हुई मुझ जैसी स्त्री को भी हुआ था। ऐसा क्या हुआ था मां? वैशाली में उस समय 7,707 राजा थे, 7,707 प्रासाद थे, भगवान बुद्ध जीवित थे, वज्जी संघ में विदुदाब के लिए क्रोध था और भागे हुए शाक्यों के लिए करुणा थी। इसलिए मुझे एक राजा के प्रासाद में दासकर मिल गया। एक दिन जब मैं अपने स्वामी पुत्र के कोठरी में गई, स्वामी वहां रख दो, यहां आओ। तुम्हारा हाथ दिखाओ। ये तुम्हारा पुरस्कार। तुम्हारे शाक्य गणराज्य में तो दासी स्वामी की संपत्ति होती थी ना? वासव खतिया महानाम की दासी की पुत्री थी ना? आज से मेरा और तुम्हारा स्वामी और दासी का रिश्ता खत्म। अब से तुम्हें अपने मुंह में तिनका रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदुदाब ने हमारा स्वाभिमान कुचला, हमारी आत्मा नहीं। मैं शाक्य कुमारी हूं, अम्बपाली नहीं। मेरा हाथ छोड़ो। इतना अभिमान? एक बार फिर से मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वैशाली से भागने की कोशिश की पर दंडाधिकारियों द्वारा पकड़ी गई। मेरे स्वामी पुत्र ने मुझ पर चोरी कर भागने और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। शाक्य गण होने के कारण मुझे कानून मंत्री के सामने पेश किया गया। राजा, ये कुलटा झूठ बोल रही है। वाक्पुरुष, तुमने कानून मंत्री के सामने शब्दों से स्त्री का अपमान किया है। 40 पण दंड इसी समय, नहीं तो मैं तुम्हारे विरुद्ध स्त्री के अपमान की गवाही दूंगा। और एक बात समझ लो कुलपुत्र, सच झूठ का फैसला मैं नहीं न्यायालय करेगा। न्यायालय के निर्णय आने तक तुम वैशाली छोड़कर नहीं जा सकोगी। ये मेरी दासी है, तब तक ये मेरी सेवा में रहे या कारागार में। मैं कारागार में रहूंगी। तुम गणराज्य के पंथागार में रहोगी और गणराज्य तुम्हारे निर्वाह की व्यवस्था करेगा। लिच्छवी गणराज्य में 7 स्तरीय अदालतें हैं। तुम दोनों को अपने को निर्दोष साबित करने के लिए 7 अवसर मिलेंगे। हमारी वैशाली की निचली अदालत यानी विनिश्चय महामत्ता में तुम्हारी प्राथमिक सुनवाई होगी। निचली अदालत के फैसले से तुम खुश ना हो तो तुम फिर सुनवाई के लिए वो हारिक
और अंतोकारिक अदालत में जा सकती हो। वोहारिक और अंतोकारिक का मतलब जानती हो? नहीं। वोहारिक यानी वकील और अंतोकारिक यानी न्यायाधीश। यहां तुम्हारी पैरवी वोहारिक करेगा गणराज्य के खर्चे पर। उनके फैसले से भी यदि तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम्हें सूत्रधारों की अदालत में जाना होगा। सूत्रधार यानी? कानून के विशेषज्ञ या न्याय सूत्रों के मीमांसक। यहां भी मुझे न्याय नहीं मिला तो? तो विज्जी संघ के अष्टकुलक यानी आठ कुलों के पंचों की समिति निर्णय करेगी। इन चार अदालतों से भी तुम्हें न्याय नहीं मिला तो तुम सेनापति, उपराजा और राजा के अदालत में जा सकती हो। ये तीनों स्वतंत्र रूप से मामले की छानबीन करेंगे, पर राजा या गणपति का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी अदालत तुम्हें निर्दोष घोषित कर सकती है, पर यदि इन सभी अदालतों ने तुम्हें दोषी पाया तो राजा तुम्हें हमारी पवेणी पोथक के आधार पर दंड देगा। पवेणी पोथक क्या होता है, सुना है तुमने शाक्य गण में? नहीं। ये पहले के मुकदमों के उदाहरणों की किताब है जिसमें अपराध और उसके लिए दिए गए दंड का विस्तृत ब्यौरा होता है। तुम्हारे मुकदमे का ब्यौरा भी इसमें लिखा जाएगा। ये वैशाली है, यहां पर अंबपाली की पालकी को भी कुलपुत्र और राजा सम्मान से कंधा देते हैं। यहां तुम सुरक्षित हो। वैशाली की न्याय व्यवस्था देख मैं हैरान थी। विनिश्चय महामत्ता में आरोप जमीन पर लिखा गया, बाद में उसकी शुद्ध प्रतिलिपि एक चादर पर बनाई गई। वोहरिक और अंतोवारिक की अदालत में बयान लकड़ी की काली तख्ती पर लिखा गया, फिर उसकी प्रतिलिपि बनाई गई। पहली बार मैंने अदालतों में वैशाली के संविधान के पुस्तक और नियमों की तालिका देखी, ताम्र पत्र पर लिखे नियम और कानून, पत्थरों पे खुदी तालिका। मैं 6 अदालतों में हारी। अब मेरी आखिरी उम्मीद गणपति या राजा की अंतिम अदालत थी। शाक्य कुमारी चारुसंधि, वैशाली में सभी बराबर हैं, तुम्हें बैठने का अधिकार है। शाक्य कुमारी को 6 अदालतों ने दोषी पाया क्योंकि इसके समर्थन में एक भी गवाह नहीं है। कुलपुत्र शत्रुजय का आरोप है कि उसने शाक्य कुमारी को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, इसलिए शाक्य कुमारी ने उस पर हथियार से आक्रमण किया। कुलपुत्र के दूसरे दासों ने उसके समर्थन में गवाही दी। क्या शाक्य कुमारी सबके सामने चोरी कर रही थी? राजा ने एक एक कर मेरे खिलाफ लगे सारे प्रमाणों की धज्जियां उड़ा दी। मेरी जांच में मैंने यह पाया कि एक भी गवाह उस घटना का साक्षी नहीं था। क्या वज्जी संघ को इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि शाक्य कुमारी को वैशाली से भागने के कई अवसर थे, परंतु वह नहीं भागी। वह कारागार में नहीं पंथागार में रहती थी। मैंने भी उसे भागने के अवसर प्रदान किए, परंतु वह नहीं भागी क्योंकि उसे वैशाली के गणतंत्र में विश्वास था। क्यों सारे निर्णय शाक्य कुमारी के विरुद्ध सिर्फ इसलिए लिए गए क्योंकि वो लिच्छवी गणराज या वज्जी संघ की नहीं बल्कि वैशाली की एक साधारण सी दासी है, जो निर्बल है, लाचार है, निर्धन है। क्यों सारे निर्णय शाक्य कुमारी के विरुद्ध सिर्फ इसलिए लिए गए क्योंकि कुलपुत्र के पिता लिच्छवी गणराज्य की सेना के एवं विदेशों के मामलों की जानकारी रखने वाले 9 सदस्यों की समिति के सदस्य हैं। यदि ऐसा है तो यह उस सिद्धांत की हार है जिसके लिए हमारे पूर्वज नाभाग ने सिंहासन छोड़ा था। क्या एक दासी को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का अधिकार नहीं? क्या एक दासी मनुष्य नहीं है? ये कैसी जाति बनाई है हमने जिसे हम दासी कहते हैं? स्त्री आपसे कोई विशेष अधिकार नहीं मांग रही, पर उससे अन्याय करने का किसी को भी अधिकार नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं। मनुष्य जाति तब तक स्वतंत्र है जब तक स्त्री स्वतंत्र है। शाक्य कुमारी के पक्ष में एक भी साक्ष्य ना हो तो भी उसे संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मैं, मेरा पुत्र दोषी है गणपति।
मैं जयपत्र शाक्य कुमारी को देता हूं और कल ही लिच्छवी गणराज के सामने प्रस्ताव रखूंगा कि शाक्य कुमारी को वैशाली में सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाए। इसमें तो बहुत समय लगा होगा ना माँ? नहीं, सिर्फ एक माह। ऐसा महान था लिच्छवी गणराज्य, जहां नगाड़ा बजते ही सारे राजा एक साथ संतागार में आते थे और एक साथ जाते थे। सभी साथ बैठकर फैसला लेते थे। हर बैठक का कार्य वृत्त चार राजा लिखते थे और इन्हें संभाल कर रखा जाता था। ऐसे महान लिच्छवी गणराज्य को खान विवाद के लिए मगध के अजात शत्रु ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 साल बाद नष्ट कर दिया और एक बार फिर हमें भागना पड़ा, पहले कपिलवस्तु से, फिर वैशाली से। अब इनका क्या करूं मां? जला दे। पर गणतंत्रों की मनुष्यता की स्वतंत्रता की आग अपने अंदर हमेशा जलाए रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी वह आग जलाए रखना, जब तक हर मनुष्य को समानता का अधिकार नहीं मिल जाता। जब तक संसार में तिनके हैं, हर शाक्य मनुष्य के समानता के अधिकार के लिए लड़ता रहेगा, ताकि कोई किसी को तिनका समझने की भूल ना करे। बस शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की एक बात याद रखना, जो उन्होंने अजात शत्रु के मंत्री महामात्य वर्षाकार को सुनाते हुए आनंद से कहा था। गौतम, वैदेही पुत्र अजात शत्रु ने आपके चरणों में नमन किया है। वैदेही पुत्र अजात शत्रु विजयों का संहार करना चाहते हैं। आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जी गण नियमित रूप से मिलता रहता है? हाँ मंत्री, वो नियमित रूप से मिलता रहता है। आनंद, जब तक वज्जी नियमित रूप से मिलते रहेंगे, उनकी समृद्धि होगी, उनकी उन्नति होगी। क्या वज्जी गण बैठक का आह्वान सुनते ही एकत्र हो जाते हैं? सुना है बंते। क्या वो एक साथ उत्थान करते हैं? सुना है बंते। क्या वो एक मत होकर करने योग्य कार्य करते हैं? सुना है बंते। आनंद, जब तक वज्जी शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध को उचित नहीं कहेंगे, उचित को काटेंगे नहीं, उनका नाश नहीं होगा। आनंद, क्या वज्जी गण पुरातन नियमों का पालन करते हैं, व्यवहार करते हैं? हाँ मंते, सुना है। आनंद, जब तक वो ये करते रहेंगे, उनका नाश नहीं होगा। आनंद, क्या वज्जी गण अपने वृद्धों का आदर करते हैं? हाँ, सुना है बंते। आनंद, क्या वज्जी गण अपने वृद्धों को गौरव प्रदान करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सुनने योग्य बात ध्यान से सुनते हैं? सुना है बंते। आनंद, जब तक वज्जी गण अपने वृद्धों का गौरव, सत्कार और पूजा करते रहेंगे, उनकी सुनने योग्य बातें ध्यान से सुनते रहेंगे, उनका नाश नहीं होगा। आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जी गण अपने कुल की कुमारियों को शक्ति से नहीं छीनते, शक्ति से कहीं नहीं बसाते? सुना है बंते। आनंद, क्या वज्जी गण अपने चैत्यों की पूजा करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उन पर मिले धन का अपहरण नहीं होने देते? सुना है बंते। आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जी गण अरहतों की रक्षा करते हैं, भविष्य में अरहत उनके राज्य में आए इसका ध्यान रखते हैं, और जो आए हैं
वो सुख से विहार करें उसका प्रबंध करते हैं। हाँ बनते, सुना है। आनंद, जब तक वज्जीगण ये सब करते रहेंगे तो उनका नाश नहीं होगा। जब तक ये सात धर्म वज्जीगण में वर्तमान रहेंगे उनका नाश नहीं होगा। मेरी बिटिया, जब तक तू यह बुद्ध वचन अपनी पीढ़ी को याद दिलाती रहेगी, संसार में गणतंत्र जिंदा रहेगा। और एक बात याद रखूंगी मैं, हर अनाथ बेटी को तुझ जैसी मां मिले। Sa sa da ni pa pa ga ma re sa ni sa da ni sa da ma sa da ma da ni sa sa da ni pa pa ga ma re sa ni sa da ni sa da ma sa da ma da ni.